प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तीन पवन रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम और जलवायु रिसर्च के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कोई देश तभी बड़ी उपलब्धियों पर निशाना लगा सकता है जब उनका विजन बड़ा हो। तकनीक को अपग्रेड करने का काम गरीबों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता दे रही है। मिशन गगनयान की तैयारी शुरू हो गई है और 2035 तक हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। ये सुपर कंप्यूटर भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किए गए हैं और इनकी लागत 130 करोड़ रुपए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है, आज का दिन इसका भी प्रतिबिंब है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये तीन सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक दो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है।